प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के बारे में डिस्कस किया था। हमने देखा था कि जो वो टॉक्सिक कंपाउंड है अमोनिया, वो हमारी बॉडी में कैसे फॉर्म होता है और वो क्यों टॉक्सिक होता है। ओके, तो बेसिकली अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं तो आप उसको देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम सभी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अमोनिया फॉर्म होता है, हम सभी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अमोनिया फॉर्म होता है ड्यू टू मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म से हमारी बॉडी में अमोनिया फॉर्म होता है और ये बहुत ही टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है, ठीक है ना। तो हम इसको मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट। मेटाबॉलिक क्यों बोला? क्योंकि ये हमारी बॉडी में प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से फॉर्म हो रहा है। ओके, मेटाबॉलिज्म से ये बॉडी में फॉर्म हो रहा है। तो हम सभी ऑर्गेनिज्म को इस अमोनिया को एलिमिनेट करना होता है, बाहर निकालना होता है। एलिमिनेट क्यों करना होता है? क्योंकि ये टॉक्सिक होता है। अगर ये बॉडी में रहेगा तो डेथ भी कॉज कर सकता है सीवियर केसेस में। अगर एक्सेस में पाया गया हमारी बॉडी में अमोनिया तो वो फिर फैटल हो सकता है, ठीक है ना। तो हमें इसे एलिमिनेट करना होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डायरेक्टली इस अमोनिया को बाहर निकाल देते हैं विदाउट एनी कन्वर्जन, उन ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे अमोनोटेलिक। उन ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे अमोनोटेलिक, ठीक है ना। तो अमोनोटेलिक वो ऑर्गेनिज्म है जो कि अमोनिया को डायरेक्टली बाहर निकाल देते हैं, डायरेक्टली एलिमिनेट कर देते हैं। देखो, इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जैसे ही ट्रांसएमिनेशन और ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन हुआ, मतलब जैसे ही प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हुआ, अमोनिया फॉर्म होगा। अमोनिया को किसी भी चीज़ में कन्वर्ट नहीं करते, इसी को डायरेक्टली बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। तो उन ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे अमोनोटेलिक। वहीं कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं और इस यूरिया को बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। उन ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे, जैसे कि हमें नेम से समझ में आ रहा है, यूरियोटेलिक। इन ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे यूरियोटेलिक, ठीक है ना। तो यूरियोटेलिक ऐसे ऑर्गेनिज्म हुए जिनकी बॉडी में जैसे ही प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हुआ, अमोनिया फॉर्म हुआ, उस अमोनिया को वो यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि एज कंपेयर टू अमोनिया थोड़ा लेस टॉक्सिक होता है। एज कंपेयर टू अमोनिया, यूरिया जो है वो लेस टॉक्सिक होता है, ठीक है ना, लेस टॉक्सिक। तो अगर टॉक्सिसिटी लेवल की बात की जाए तो अमोनिया एज कंपेयर टू यूरिया ज़्यादा टॉक्सिक होता है, ठीक है ना। वहीं कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो कि इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट ना करके यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। तो उन ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे यूरिकोटेलिक। इन ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे यूरिकोटेलिक। ओके, तो देखो बहुत ही सिंपल सा फेनोमिना है, इसमें जरा से भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आप मेरे साथ बोलिए, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अमोनोटेलिक है वो क्या एलिमिनेट करेंगे? अमोनिया। वहीं कुछ ऑर्गेनिज्म जो कि यूरियोटेलिक है वो क्या एलिमिनेट करेंगे? यूरिया। वहीं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि यूरिकोटेलिक है वो क्या एलिमिनेट करेंगे? यूरिक एसिड, ठीक है ना। तो नाम से ही हमें मीनिंग समझ में आ जाती है। नाउ अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म द्वारा इस अमोनिया को एलिमिनेट करने की प्रोसेस को हम बोलेंगे अमोनोटेलिज्म। ध्यान से सुनना, अमोनोटेलिज्म। ओके, तो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म द्वारा इस अमोनिया को एलिमिनेट करने की, बाहर निकालने की प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोनोटेलिज्म। वहीं यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म द्वारा इस यूरिया को एलिमिनेट करने की प्रोसेस को हम बोलेंगे यूरियोटेलिज्म। इसको हम बोलेंगे यूरियोटेलिज्म। ओके, सिमिलरली इसका हो जाएगा यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म द्वारा इस यूरिक एसिड को एलिमिनेट करने की प्रोसेस को हम बोलेंगे यूरिकोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म, ठीक है ना। सो वी हैव अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म। तो बेसिकली अमोनोटेलिज्म प्रोसेस में कुछ भी ऐसा खास है नहीं। अमोनिया को कैसे एलिमिनेट करेंगे वो? जैसे कोई एनिमल है, सपोज ये कोई भी ऐसे में एनिमल ले लेता हूँ। अब इसकी बॉडी में ट्रांसएमिनेशन हुआ, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन हुआ। ये चीज़ें अगर आपने देखनी तो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है ना। ट्रांसएमिनेशन और ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन हुआ, कलेक्टिवली हम बोल देंगे प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हुआ, ठीक है ना। ये चीज़ें जैसे ही हुई, उसकी बॉडी में क्या फॉर्म होगा? अमोनिया फॉर्म होगा। अभी अमोनिया एक हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएगा और ये अमोनियम आयन बना लेगा।
जैसे ही अमोनियम आयन बनाएगा ये बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें बिल्कुल भी एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है। कहीं एनर्जी लग रही है क्या? एनर्जी कब लगेगी? जब इसको हम अमोनिया को हम किसी दूसरे सब्सट्रेट में कन्वर्ट करेंगे, जैसे अगर यूरिया में कन्वर्ट करते हैं तो एनर्जी लगेगी। क्यों लगेगी एनर्जी? क्योंकि हम अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, तो हमारी बॉडी में काफ़ी सारी प्रोसेसेस चलेंगी, काफ़ी सारे उन प्रोसेसेस में एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे जिनको एटीपी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। इसी वजह से अगर हम अमोनिया को किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे एटीपी का एक्सपेंडिचर होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है ना। तो अमोनोटेलिज्म प्रोसेस में हमें ये समझ में आया कि हमें कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, अमोनिया को एलिमिनेट करने में। तो हम देखेंगे, ये तो सिर्फ बेसिक चीज़ है। तो अमोनोटेलिज्म प्रोसेस में हम सिर्फ फीचर डिस्कस करेंगे, हम यूरियोटेलिज्म प्रोसेस को बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि हम सभी ह्यूमंस इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। हम सभी ह्यूमंस यूरियोटेलिक हैं, ठीक है ना। तो हम बेसिकली यूरिया एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट एलिमिनेट करते हैं। अगर टॉक्सिसिटी की अगर हम इधर बात करें, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन होता है? मतलब क्या अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है? इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। अमोनियम आयन लिख लो या फिर डायरेक्टली आप अमोनिया ही लिखो, ठीक है ना। अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है या फिर यूरिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है कि यूरिक एसिड सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है? तो अगर हम टॉक्सिसिटी लेवल की बात करें तो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, सबसे ज़्यादा जहरीला होता है अमोनिया, उसके बाद यूरिया, और सबसे लेस टॉक्सिक होता है यूरिक एसिड, ठीक है ना। तो यूरिक एसिड सबसे लेस टॉक्सिक होता है, उसके बाद यूरिया टॉक्सिक होता है मगर एज कम्पेयर टू अमोनिया थोड़ा लेस टॉक्सिक होता है, ठीक है ना। मगर अमोनिया बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है, और क्यों होता है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है। तो बेसिकली हम अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं, कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो अभी हम इनके कुछ फीचर्स की बात करते हैं। तो जो आपको पहला फीचर इनका याद रखना है, इट इज हाईली टॉक्सिक, इट इज़ हाईली टॉक्सिक। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो अमोनिया है वो एज कम्पेयर टू यूरिया एंड यूरिक एसिड सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, ठीक है ना। तो टॉक्सिसिटी लेवल की बात की जाए तो अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है। इसके बाद दूसरा जो फीचर आपको याद रखना है, इट इज हाईली सॉल्यूबल इन वाटर, इट इज़ हाईली सॉल्यूबल इन वाटर। तो भाई ये बहुत ही सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, एंड हेयर कम्स द क्वेश्चन कि वाई इट इज़ हाईली सॉल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में ज़्यादा सॉल्यूबल क्यों होते हैं? तो अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो अमोनिया है ये एच प्लस के साथ कंबाइन हो जाता है और ये बनाते हैं अमोनियम आयन। अब ये अमोनियम आयन जैसा कि बॉडी में वाटर रहता है, ठीक है ना, तो वाटर मॉलिक्यूल अगर आपको केमिस्ट्री में याद हो, वाटर का स्ट्रक्चर कुछ तरीके से दिखता है। वाटर मॉलिक्यूल बेसिकली पोलर होता है, ठीक है ना, ये पोलर होता है। और अमोनियम आयन जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आता है, जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है इससे। ये क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड एज कम्पेयर टू वैन डेर वाल्स फोर्सेस काफ़ी स्ट्रांग होती है। अगर हम मिनरल्स की बात करें जैसे सोडियम पोटेशियम, पोटेशियम प्लस, अगर ये वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो ये वाटर वॉल फोर्स बनाते हैं, ठीक है ना। इनके बीच में जो फोर्स होगी ये कुछ आयन डिपोल ऐसे कुछ फोर्सेस होती है, पहले पढ़ा था मैंने, अब याद नहीं है इतना। तो बेसिकली वाटर वॉल फोर्स बनाते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड एज कम्पेयर टू वाटर वॉल फोर्स थोड़ा स्ट्रांग होती है, ठीक है ना। इसी वजह से इस अमोनिया को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, इन मिनरल्स वगैरह किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ना ही किसी एंजाइम, ना ही किसी एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आया अमोनिया डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी से बाहर, ठीक है ना। तो हम देखेंगे अभी फिश में, देखेंगे फिश का एग्जांपल आपके सप्लीमेंट्री कोर्स में है बेसिकली, ठीक है ना। तो हाईली सॉल्यूबल क्यों समझ में आया ना? अमोनियम जैसे ही अमोनियम आयन में कन्वर्ट होता है, ये वाटर के साथ कॉन्टैक्ट में आता है, और जैसे ही वाटर के साथ कॉन्टैक्ट में आएगा ये एच बॉन्ड बनाता है, जो कि काफ़ी स्ट्रांग फोर्स होती है दोनों के बीच में। तो अब ये अमोनियम इस वाटर से सेपरेट नहीं हो सकता, ये अलग नहीं हो सकता, और ये वाटर के साथ ही बॉडी से बाहर निकलेगा डिफ्यूजन के थ्रू। तो वो अभी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि कैसे निकलता है, ठीक है ना। तो ये सेकेंड पॉइंट हुआ। तो यहाँ से जो हमें थर्ड पॉइंट मिला, अमोनिया इज एलिमिनेटेड, अमोनिया इज एलिमिनेटेड बाय डिफ्यूजन, बाय डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेसेस।
तो भाई बॉडी सरफेसेस से, बॉडी के सरफेस से अमोनिया डिफ्यूजन के थ्रू बाहर निकल जाता है। वाटर की बात हो रही है तो आप ऑस्मोसिस भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये थर्ड पॉइंट हुआ। ये हम डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में कि फिश में, फिश बेसिकली आपके सप्लीमेंट्री कोर्स में है कि फिश में किस तरीके से अमोनियम बाहर निकलता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ पॉइंट, एटीपी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इट्स रिमूवल। तो भाई एटीपी, एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि कोई भी एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता है इसको, अमोनिया को निकालने के लिए कोई भी एंजाइम या फिर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं चलती है बॉडी में, इसीलिए एटीपी की भी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो ये फोर्थ पॉइंट हुआ। इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट अमोनियम आयन लिखिए, अच्छा आप अमोनियम आयन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम थ्रो गिल्स एपिथेलियम, थ्रो गिल एपिथेलियम ऑफ फिशेस। सो अमोनियम आयन इज एलिमिनेटेड थ्रो गिल एपिथेलियम ऑफ फिशेस। तो ये बेसिकली जो अमोनियम है वो फिशेस के गिल एपिथेलियम से निकलता है, ठीक है ना। तो जो फिशेस के गिल्स होते हैं वो बेसिकली एपिथेलियम सेल्स के होते हैं, ठीक है ना। तो एपिथेलियम सेल्स, उन्हीं गिल्स से वाटर अलोंग विथ अमोनिया, सॉरी अमोनियम आयन, वाटर अलोंग विथ अमोनियम आयन डिफ्यूजन के थ्रू उनके गिल एपिथेलियम सेल से निकलेगा, एलिमिनेट होगा। तो अभी हम डिस्कस करेंगे। सिक्स पॉइंट जो आपको याद रखना है, किडनीज, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। तो भाई किडनीज जो है वो कोई भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करती, कोई भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करती इसको रिमूव करने में, किसको रिमूव करने में, अमोनियम आयन को रिमूव करने में। अब भाई किडनीज का रोल क्या होता है, एब्जॉर्प्शन करना, अगर किसी चीज़ का फिल्ट्रेशन करने के बाद बेसिकली एब्जॉर्प्शन होता है, तो एब्जॉर्प्शन हम इसको काय को करें, जब ये टॉक्सिक है, पॉइजनस है, तो इसको काय को एब्जॉर्ब करें हम, इसको तो जल्दी से जल्दी बाहर निकाल दें वही अच्छा रहेगा। तो किडनीज जो होती हैं वो अमोनियम के रिमूवल में कोई भी सिग्निफिकेंट रोल परफॉर्म नहीं करती, ठीक है ना। जैसे ही अमोनियम फॉर्म हुआ इसको जल्दी से जल्दी बाहर निकाल दिया, ठीक है ना, बॉडी से अलॉन्ग विथ वाटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमोनियम लिख देता हूँ मैं, याद कर लो, बिल्कुल टैटू वेटू बनवा लो इसका, अमोनियम अलोंग विथ वाटर। ऐसा रीजन में पूछता है ये चीज़, ठीक है ना। तो अभी आपके फीचर्स ख़त्म हुए, अभी हम फिश का देखेंगे कि उसमें किस तरीके से एलिमिनेशन होता है अमोनियम का और कुछ मिनरल्स का। ये इसके फिन्स हैं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाती है, कुकर में डालो पक जाती है, और इसकी आंखें इंसानों वाली, इसकी आईब्रोस नहीं होती ना बेसिकली फिश में, जाने दो क्या करना, खूबसूरत लगेगी। ओके, सो दिस इज अ फिश, ठीक है ना, और ये बेसिकली फ्रेश वाटर फिश है, ये एक फ्रेश वाटर फिश है, ठीक है ना। तो जितनी भी फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं वो सभी अमोनोटेलिक होती हैं, उनके अंदर जो मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो अमोनिया ही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं बट वो एग्जाम में नहीं पूछी जाती, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि सभी फ्रेश वाटर फिशेस क्या होती हैं, अमोनोटेलिक होती हैं, ठीक है ना। और ये वाटर है, कुछ फिन्स के पीछे, कुछ कॉडल फिन्स के पास, ये फ्रेश वाटर है, ठीक है ना। तो पानी में मछली है या मछली में पानी है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ओके, तो ये बेसिकली फ्रेश वाटर है और इस फ्रेश वाटर में एक फिश है, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूं फ्रेश वाटर में क्या होता है, सॉल्यूट्स का कंसेंट्रेशन बेसिकली कम होता है। अगर हम मरीन वाटर की बात करें, समुद्रों में कैसा होता है, पानी नमकीन होता है, वहां पर सॉल्यूट्स बहुत ज्यादा होते हैं। सॉल्यूट्स कुछ और नहीं होता, सॉल्यूट्स क्या समझते हैं आप, सोडियम
क्लोरीन, पोटेशियम, इन्हीं को हम सॉल्यूट्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो मरीन वाटर में, समुद्री पानी में ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा होती हैं, सोडियम पोटेशियम वगैरह, जिसकी वजह से वो पानी नमकीन होता है। मगर फ्रेश वाटर में ये चीज़ें ट्रेस अमाउंट में पाई जाती हैं, बहुत ही कम पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि फ्रेश वाटर में जो सॉल्यूट का पोटेंशियल है, सॉल्यूट्स का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही कम होता है, वो बहुत ही कम होता है। और वाटर का जो पोटेंशियल होता है, वाटर का जो पोटेंशियल होता है वो हाई होता है फ्रेश वाटर में, ठीक है ना। पानी तो हर जगह है ना, तो वाटर का कंसंट्रेशन हर जगह है। फिश की बात करें तो फिश में तो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसमें तो काफ़ी सारे मिनरल्स फॉर्म हो रहे हैं, सॉल्यूट्स फॉर्म हो रहे हैं। कहाँ से फॉर्म हो रहे हैं? वो डाइट ले रही है, फूड कंज्यूम कर रही है, तो फूड से क्या होंगे, ये सभी मिनरल्स सिंथेसाइज होंगे। तो फिश में क्या होगा, सॉल्यूट्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और वाटर का कंसंट्रेशन फिश में कम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पानी में, फ्रेश वाटर में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम और वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा, वहीं फिश के अंदर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा और वाटर का कंसंट्रेशन कम, और यहाँ पर गिल एपिथीलियम्स हैं, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, जैसे इसकी बॉडी में प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हुआ ट्रांसएमिनेशन और ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन वगैरह से, हमको अमोनिया मिलेगा। प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से हमें अमोनिया मिलेगा। तो ये अमोनिया बेसिकली बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, और ये अमोनिया अलॉन्ग विथ ट्रेस अमाउंट ऑफ वाटर जो कि फिश में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये बना लेगा अमोनियम आयन। जैसे ही प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हुआ, अमोनिया फॉर्म हुआ, अब ये अमोनिया अलॉन्ग विथ ट्रेस अमाउंट ऑफ वाटर जो कि थोड़ा बहुत वाटर है उसके साथ कंबाइन हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा और अमोनियम आयन फॉर्म कर लेगा, ठीक है ना। अब जैसा कि फिश के अंदर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हाई है और वाटर में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन लो है, तो गिल एपिथीलियम से ये सॉल्यूट्स बाहर आ जाएगा, अमोनियम गिल एपिथीलियम से बाहर आ जाएगा। सिमिलरली बाहर वाटर का कंसंट्रेशन हाई है और अंदर वाटर का कंसंट्रेशन लो है, तो ये हाई कंसंट्रेशन से वाटर लो कंसंट्रेशन में फिश के अंदर चला जाता है। तो डिफ्यूजन के थ्रू फिश वाटर को इंटेक करती है। यहां पे मैं लिख देता हूं कि डिफ्यूजन के थ्रू फिश वाटर को इंटेक करती हैं, और जो फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं, दे डू नॉट ड्रिंक वाटर। तो भाई ये काय को पानी पिएंगी भला, जब ऑलरेडी बाहर वाटर का कंसंट्रेशन हाई है और अंदर वाटर का कंसंट्रेशन लो है, वाटर अपने आप गिल एपिथीलियम से उनके अंदर आ रहा है, तो पानी काय को पिएंगी वो, ठीक है ना। तो फ्रेश वाटर फिशेस हमेशा पानी नहीं पीती, कभी भी पानी नहीं पीती हैं, ऑलरेडी उनके अंदर वाटर डिफ्यूजन के थ्रू गिल एपिथीलियम से अंदर चला जाता है। और जैसा कि सॉल्यूट कंसंट्रेशन अंदर हाई होता है, तो जो भी अमोनिया फॉर्म होता है वो अलोंग विद वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और बना लेता है अमोनियम आयन। गिल एपिथीलियम से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूट से लो कंसंट्रेशन बाहर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये अमोनियम इस तरीके से बाहर आ जाते हैं, बाहर फ्रेश वाटर फिशेज। तो फ्रेश वाटर फिशेज बेसिकली वाटर को ड्रिंक नहीं करती हैं, और इस तरीके से बेसिकली वो अमोनिया को एलिमिनेट करती हैं, बाहर निकालती हैं, ठीक है ना। मैराइन वाटर फिशेस में क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। खैर वो हम डिस्कस करेंगे, यूरियोटेलिज्म जब डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो अभी फिशेस में रेगुलेशन हो रहा था सॉल्यूट्स और वाटर का, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में वाटर और सॉल्यूट्स का जो अभी रेगुलेशन बताया मैंने आपको, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में हो रहा था, इसी चीज़ को हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन मतलब क्या समझे हम, रेगुलेशन ऑफ सॉल्यूट्स एंड वाटर। तो रेगुलेशन ऑफ सॉल्यूट्स एंड वाटर होता है ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है ना। तो बेसिकली अभी हमने फिशेस में डिस्कस किया, देखो सभी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन होता है। सॉल्यूट्स क्या होंगे, सॉल्यूट्स कोई अलग से चीज़ नहीं होती है, ठीक है ना। हम सभी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, कोई रेत या फिर क्रॉकरीज वगैरह तो होती नहीं है, तो सॉल्यूट्स क्या होंगे, ऑफकोर्स सॉल्ट्स होंगे जो कि मिनरल्स के फॉर्म में रहते हैं, जैसे सोडियम, Cl-, पोटेशियम वगैरह, और भी काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं। कैल्शियम तो खैर रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, फिर भी ये जो ट्रेसेस अमाउंट में जो मिनरल्स होते हैं, इन्हीं को हम सॉल्यूट्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं सॉल्यूट्स का
रेगुलेशन अलोंग विद वाटर हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स के, एमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म के। तो एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इनके। तो हम शुरुआत करते हैं प्रोटोजोन से। प्रोटोजोन्स में बेसिकली आपको याद रखना है एक्वेटिक एमीबा, एमीबा एंड पैरामीशियम, पैरामीशियम, ठीक है ना। इसके बाद पॉरीफेरा की बात करते हैं। पॉरीफेरा में आ जाएगा साइकॉन, साइकॉन एंड स्पंजिला। तो साइकॉन एंड स्पंजिला आपको याद रखना है पॉरीफेरा में। एग्जाम्पल सिलेंट्रेट्स, सिलेंट्रेट्स में आपको एग्जाम्पल याद रखना है हाइड्रा का। हाइड्रा का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये पूछा ही जाता है अधिकतर। तो मैं यहाँ पर स्टार बना देता हूँ, ठीक है। इसके बाद एनिलीड्स, एनिलीड्स में आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं निराइस, अर्थवॉर्म एंड लीच, ठीक है ना। निराइस, अर्थवॉर्म एंड लीच। अर्थ्रोपोड में अर्थ्रोपोड्स में बेसिकली आपको प्राउन याद रखना है। देखो ट्रिक ये है कि सभी ऑर्गेनिज्म वाटर में रहते हैं। सभी ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं? वाटर में, एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद एक्वेटिक मोलस्क, तो एक्वेटिक मोलस्क कौन से हैं? एक्वेटिक मोलस्क में आपको पाइला याद रखना है, सिपिया एंड ऑक्टोपस। ऑक्टोपस तो सबको पता होगा पानी में रहते हैं, ठीक है ना। तो यहां तक आप लिख लीजिए, इस चीज को मैं इरेज कर देता हूं। सभी एग्जांपल्स आप नोट कर लीजिए, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। तो एग्जांपल्स मैं इरेज कर देता हूं यहां पे, पॉलीफेरा से सिलेंट्रेट्स तक। इसके बाद बोनीफिशेस का एग्जाम्पल आपको याद रखना है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। बोनीफिशेस में जो आपको याद रखना है लेबियो। तो बोनीफिशेस जो भी फ्रेश वाटर में होती हैं, जो भी फ्रेश वाटर में होती हैं वो कैसे होंगी? एमोनोटेलिक ही होंगी, ठीक है ना। एम्फीबियंस, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक एम्फीबियंस में जो आपको याद रखना है टैडपोल और फ्रॉग, टैडपोल और फ्रॉग। तो फ्रॉग का जो लार्वा होता है, फ्रॉग के बेसिकली स्टेजेस होते हैं लाइफ के। जैसे ही वो फॉर्म होता है, लार्वा स्टेज में रहता है, फिर उसमें मेटामॉर्फोसिस होता है और फिर वो एडल्ट स्टेज में बड़ा हो जाता है। तो जब तक वो लार्वल स्टेज में रहता है, टैडपोल फॉर्म में रहता है, वो पानी में ही रहता है, ठीक है ना। तो जब तक टैडपोल लार्वा के फॉर्म में रहेगा वो एमोनोटेलिक रहेगा, और फिर जैसे ही पानी के बाहर आएगा वो यूरियोटेलिक हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है एक्वेटिक एम्फीबियंस का। इसके बाद एक और एग्जांपल याद रखना है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, टेल्ड एम्फीबियंस, टेल्ड एम्फीबियंस, ऐसे एम्फीबियंस जिनकी टेल होती है। तो एक ही एग्जांपल बेसिकली आपको याद रखना है इसका, और ये एग्जांपल बहुत इम्पॉर्टेंट है, सेलिमेंडर, ठीक है ना। सेलिमेंडर का आपको एग्जाम्पल याद रखना है टेल्ड एम्फीबियंस में। इसके बाद क्या बचा? रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स बचे। तो रेप्टाइल्स में सिर्फ और सिर्फ आपको जो याद रखना है वह है क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल्स, ओके। तो क्रोकोडाइल्स भी बेसिकली एमोनोटेलिक ही होते हैं, पानी में रहते हैं, ठीक है ना। सो ट्रिक देखो इनकी कोई भी नहीं है याद करने की, ऐसा है कि जो भी ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक होते हैं, बोनीफिशेस का बदले याद रखना है, बोनीफिशेस और कार्टिलेजिनस फिशेस वो हम डिस्कस करेंगे। बोनीफिशेस एमोनोटेलिक होंगी, एग्जाम्पल ये भी याद रखना है। एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो कैसे होंगे? एमोनोटेलिक होंगे, ठीक है ना, क्योंकि वाटर बहुत ही ज़्यादा चाहिए होता है। एमोनिया को एलिमिनेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा वाटर चाहिए पड़ता है। वाटर क्यों चाहिए पड़ता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि एमोनिया
वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना। तो वाटर के बिना अमोनिया बाहर निकल ही नहीं सकता, वाटर आएगा अमोनिया उससे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और तब जाके दोनों बाहर निकलेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म हमें एक्वेटिक हैबिटेट में ही मिलेंगे, वो सभी हमें एक्वेटिक हैबिटेट में ही मिलेंगे। अब देखो एक्वेटिक हैबिटेट में पानी की कमी तो है नहीं, ठीक है ना, तो वो जितना चाहे पानी ले सकते हैं हैबिटेट से और जितना चाहे अमोनिया बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी बुक्स ये कहती हैं कि 1 ग्राम ऑफ अमोनिया को निकलने के लिए 350 मिलीलीटर ऑफ वाटर चाहिए होता है, कुछ बुक्स 500 मिलीलीटर भी बोलती हैं। खैर वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस इतने एग्जांपल्स याद रखने हैं और जो वो मैंने फीचर्स आपको बताए थे वो आपको याद रखने हैं, ओके। तो उसके बाद हम यूरियोटेलिक डिस्कस करेंगे।